बनारस का विकास पगला गया है। बरसात के बाद से शहर में हर जगह सड़क का खस्ता हाल है। अचानक फिर से शिवपुर बाजार की सड़क धंसने से गड्ढा बन गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री शिवपुर उत्तरी विधानसभा के विधायक रविंद्र जायसवाल जी का क्षेत्र की सड़कें धंसी चली जा रही है। दिनांक 4 सितंबर 2021 को आज फिर एक बार शिवपुर बाजार में सड़क बैठ गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने रोड पर बैठकर धरना देने लगे थे। लोगों का कहना था कि जब से शासन प्रशासन नहीं आती तब तक यहां से हटेंगे नहीं। यही है मंत्री और प्रशासन की सच्चाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनदीय क्षेत्र का ये हाल है। शिवपुर बाजार में 2-3 महीनों से धंसी चली आ रही है सड़क। जब तक प्रशासन मंत्री जी नहीं आ जाते तब तक रोड पर धरना देते रहेंगे। वही 80 कोश परिक्रमा वाली रोड से जिस पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने परिक्रमा करके निकले, उसी रोड का ये हाल है। आज 2-3 महीनों से पांचों पड़वा से रामलीला मैदान तक सड़क धंस चुकी है। 1-2 महीनों कई बार सड़क बैठ चुकी है। स्थानीय लोगों में भयभीत एवं डर सा लगने लगा है। सुबह से ही स्थानीय लोगों ने 4-5 घंटे तक धरना देते रहे। ना कोई प्रशासन आया, ना ही कोई मंत्री आए, जिससे शाम होने के बाद उत्तरी विधानसभा के विधायक एवं उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल पहुंचकर आश्वासन दिया, जल्द से जल्द ये कार्य करने को कहा, अन्यथा आप सभी जेई ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा। मंत्री जी के जाते ही शिवपुर बाजार की अचानक पानी की पाइपलाइन फट गई और अगल बगल के मकानों में दरारें पड़ गई। राधेश्याम गुप्ता, UP हेड।